आजमगढ़ जिले में भीषण गर्मी की मार झेल रहे मंडली जिला चिकित्सालय पहुंच जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड और वार्डों में भर्ती मरीजों की सुध ली। डीएम ने भर्ती मरीजों से अस्पताल प्रशासन की तरफ से मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती हुई भीषण गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया है। कहा कि काफी स्थानों पर कूलर इत्यादि पेयजल की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई को लेकर SIC को निर्देशित किया है। कहा कि अस्पताल को ध्यान देने की जरूरत है। DM ने 27 बेड में लो वोल्टेज के मार झेल रहे कूलर को पर्याप्त बताया। कहा कि यहाँ बड़ा कूलर है जो कि 200 स्क्वायर की जगह को कवर करता है। कहा कि मौसम की वजह से जो बिजली की समस्या बन रही है उसे संबंधित अधिकारियों से तालमेल बैठाकर जल्द निस्तारित किया जाएगा। DM ने कहा कि कॉलेज ट्रेनरों को स्थायी कर्मचारियों से संबंध करके प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही भर्ती मरीजों की लगातार देखभाल की जा रही है। बिजली के जाने के बाद पीने के पानी की व्यवस्था बिगड़ जाती है। एक हैंडपम्प है जो कि दूषित जल देता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ उपलब्ध जनरेटर की व्यवस्था से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सर क्या खामियां मिली और क्या रहा सर? जिला अस्पताल का आज हमने यहाँ निरीक्षण किया था तो मूलतः ये देखा जा रहा था कि वर्तमान में जो दीर्घकालीन है उसके संदर्भ में आवश्यक व्यवस्था है कि नहीं। तो मतलब काफ़ी स्थानों पर कूलर इत्यादि की पेयजल की व्यवस्था है। साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने SIC को कहा है। 27 बेड के वार्ड में एक कूलर और लो वोल्टेज की मार झेल रहे जो कूलर है वो पर्याप्त बड़ा है। आपने कूलर का जो साइज़ है वो देखा, काफ़ी बड़ा कूलर है जो लगभग 200 स्क्वायर फीट की जगह को पूरा करता है। बाकी जो मौसम की समस्या है और जो बिजली की समस्या है उसके लिए संबंधित विभागों से टाई अप करके उसको ठीक कराया जा रहा है। सर, जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड ट्रेनरों के जो कॉलेज के ट्रेनर आते हैं उनके भरोसे चल रहा है? ट्रेनर्स जो यहाँ पर ट्रेनीज आए हैं उनको परमानेंट स्टाफ के साथ अटैच करके उनको ट्रेनिंग भी दी जाए और साथ में जो हमारे मरीज भर्ती हैं उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए, ये SIC को मैं। सर, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, लाइन कट जाने के बाद एक हैंड पंप है वो भी मटमैला पानी देता है। यहाँ जनरेटर का बैकअप भी है तो उससे व्यवस्था।